बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। रिश्ते तार तार हो गए ने। जी हाँ, एक नाना अपनी दोती नू बहला फसला के भजा के लै गया। जी हाँ, घर दे विच वो बच्ची सुती हुई सी। नाना आउंदा है, बच्ची नू लालच दिंदा है ते भजा के राजस्थान दे बीकानेर लै जांदा है। तो बड़ी ही मंदभागी ते शर्मसार कर देने वाली खबर है। अबोहर दे नज़दीकी पिंड तो सामने आ रही है, जिथे एक नाबालिग नू रिश्ते दे विच लग रहे नाने ने घरों बहला फसला के भजा लिया। भजा के उसनू राजस्थान लै गया, जिथे बाद दे विच बच्ची की माँ ने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो राजस्थान के बीकानेर तो दोहे जने बरामद होए, दोहां जणिआं नू घर वापस लिया गया ते नाने खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो अबोहर का मामला है, 16 साल की कुड़ी सी। दस दिए कि उसकी माँ ने दस्या कि उसका नाना पिछले 6 महीनों तो उन्होंने घर के रहिंदा सी। इन 6 महीनों के उसने कुड़ी नू बहला फसला के अपने वलदा कर लिया अते उसनू एक रात भजा के लै गया। आओ बच्ची की माँ तो ही जानते हैं कि आखिरकार वो नाने ते की इल्जाम लगा रही है ते पुलिस ने उसकी शिकायत तो बाद की कार्रवाई की। मेरा मामा लगता है, वह भी कुड़ी का नाना लगता है। वह ठाकुर रात नू ले गया, बड़ा बड़ा के ले गया, कोई पता कौन लगे। वह तो बीकानेर के पकड़े सी, वह पुलिस ओनू मैं रात ने सुती सी घरे। वह सुबह रात नू सुत्या सी, दिन के उठ के देखा सी ना छोरी ना छोरा दोनों नहीं है। शेरा जी, शेरा हाँ जी, वह मेरे मम्मी का मामा का बेटा पाई गया। वह मेरा मामा लगता है, कुड़ी का नाना लगता है। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 92 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 363-66 ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ੇਰਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਈਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਮਾਂਡ। बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। रिश्ते तार तार हो गए ने। जी हाँ, एक नाना अपनी दोती नू बहला फसला के भजा के लै गया। जी हाँ, घर दे विच वो बच्ची सुती हुई सी। नाना आउंदा है, बच्ची नू लालच दिंदा है ते भजा के राजस्थान दे बीकानेर लै जांदा है। तां बड़ी ही मंदभागी ते शर्मसार कर देने वाली खबर है। अबोहर दे नज़दीकी पिंड तो सामने आ रही है, जिथे एक नाबालिग नू रिश्ते दे विच लग रहे नाने ने घरों बहला फसला के भजा लिया। भजा के उसनू राजस्थान लै गया, जिथे बाद दे विच बच्ची की माँ ने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो राजस्थान के बीकानेर तो दोहे जने बरामद होए, दोहां जणिआं नू घर वापस लिया गया ते नाने खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो अबोहर का मामला है, 16 साल की कुड़ी सी। दस दिए कि उसकी माँ ने दस्या कि उसका नाना पिछले 6 महीनों तो उन्होंने घर के रहिंदा सी। इन 6 महीनों के उसने कुड़ी नू बहला फसला के अपने वलदा कर लिया अते उसनू एक रात भजा के लै गया। आओ बच्ची की माँ तो ही जानते हैं कि आखिरकार वो नाने ते की इल्जाम लगा रही है ते पुलिस ने उसकी शिकायत तो बाद की कार्रवाई की। मेरा मामा लगता है, वह भी कुड़ी का नाना लगता है। वह ठाकुर रात नू ले गया, बड़ा बड़ा के ले गया, कोई पता कौन लगे। वह तो बीकानेर के पकड़े सी, वह पुलिस ओनू मैं रात ने सुती सी घरे। वह सुबह रात नू सुत्या सी, दिन के उठ के देखा सी ना छोरी ना छोरा दोनों नहीं है। शेरा जी, शेरा हाँ जी, वह मेरे मम्मी का मामा का बेटा पाई गया। वह मेरा मामा लगता है, कुड़ी का नाना लगता है। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 92 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 363-66 ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ੇਰਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਈਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ।